हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2018-19 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही, उसमें कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट में चले गए लिटिगेशन, और उसकी वजह से वो प्रक्रिया रुक गई। आज के सेशन में प्रेजेंट उस केस का क्या स्टेटस है ये डिस्कस करेंगे। 24 अप्रैल को हियरिंग थी, लेकिन उस दिन हियरिंग नहीं हो पाई और नेक्स्ट डेट मिली 6 मई को। 6 मई को फिर डेट मिली नेक्स्ट, क्योंकि हियरिंग नहीं हो पाई, और वो मिली 8 मई आज। आज इस केस में क्या रहा वो चलो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाके देखते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइट है। ये अपना डायरी नंबर 2844, ये तो शायद आपके कंठस्थ हो गया होगा, 2019 विवेक किशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस विवेक का नाम भी याद हो गया हो। अब इसमें आप देखें तो ये आज भी इसका स्टेटस पेंडिंग ही आ रहा है। स्टेटस में इसमें दिया है, आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस लिस्ट ऑन डेटेड 10 मई, ऑर्डर डेट 8 मई, आज 10 मई के लिए ऑर्डर हुआ। देखिए 10 मई को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी, 10 मई को, मतलब आज भी हियरिंग पेंडिंग रही और ये 10 मई को। लेकिन एक चीज बेटर, अब ये बेटर है या नहीं है, बट मुझे जितना ध्यान आ रहा है कि पहले 2 दिन की डेट दी, दोबारा 2 दिन की डेट दी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोर्ट जरूर इस केस को लेकर सीरियस है। आई थिंक आगे जो इनके ये समर वेकेशन आ रही है, उससे पहले तो एटलीस्ट ये इस केस को रिजोल्व करना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों के करियर का सवाल है। सो इसको डिले शायद नहीं करें, इसीलिए पहले ये 10-12 दिन की थी, उससे पहले आप देखेंगे 2 वीक की या 3 वीक की थी, और अब ये लगातार 2-2 दिन की दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं कहीं ये सीरियस जरूर है केस का। अगर आप देखें तो ये कोई बच्चे हैं, गॉड नोज ये क्या चाहते हैं, विवेक किशोर, विवेक कुमार, मनीष कुमार, अतुल ओझा, अजय त्रिपाठी, और ये दो नाम में आप देखो ये 11 बच्चे। अगर ये बच्चे किसी के कांटेक्ट में हो और आप लोगों का कोई ग्रुप इस तरह का हो, तो इनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि ये अपना केस उठा लें, या आप का अगर कोई स्ट्रॉन्ग वो बन जाए ग्रुप, और कोई आप अच्छा लॉयर करें, तो भी आप लोगों को जल्दी कोई डिसीजन इसका, ये आप मान के चलिए कि ये जब भी फैसला होगा वो आप लोगों के फेवर में होगा, और बहुत डिले तो ये नहीं होना चाहिए, उम्मीद यही रखें कि ये जल्दी फैसला होगा। बट फिर भी अगर आप लोगों का कोई ग्रुप है बना हुआ ऑलरेडी, तो इसको ज़्यादा बेटर, और अगर आप ये करें, आप अपने लेवल पे थोड़ा सा इसको परस्यू करें, तो हो सकता है इसमें बेनिफिट और बेटर मिले। बट आज का तो यही रहा कि दोबारा 10th की, मतलब परसों की ये डेट वापिस मिल गई है। उम्मीद करें कि परसों इस केस की सुनवाई हो जाए और आप लोगों के पक्ष में हो जाए, ताकि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको आगे ज्वाइनिंग मिले। लेकिन फिर मैं आपसे एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहिए, स्ट्रेस किसी टाइप का मत रखिए, आपके पक्ष में होगा फैसला, और साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन को मत रोकिए। आपकी जो तैयारी अब है वो एग्जैक्टली उस लेवल की है जिस लेवल की प्रिपरेशन में एग्जाम क्रैक होती है, क्योंकि आपने एग्जाम क्रैक किया, तो इस पीरियड को आप यूटिलाइज कीजिए। हो सकता है ये जो भी प्रक्रिया रुकी है ये आपके फायदे के लिए रुकी। आप अगर आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आप सिलेक्ट हुए, थोड़ा सा इनपुट और डालें, हो सकता है एसबीआई पीओ की अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें आप क्लियर हो जाएं, उसमें उसको क्रैक कर पाए। या अगर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में आप सिलेक्ट हुए हैं और एसबीआई क्लर्क में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके करियर के लिए वो बेहतर रहेगा। लेकिन प्रिपरेशन मत रोकिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू आप करते रहिए और इनपुट डालते रहिए, हो सकता है आप और इम्प्रूव कर जाए। ये नौकरी आपकी जरूर लगेगी, लेकिन इस नौकरी के भरोसे अगर आप रुकोगे तो एक्चुअली क्या है, कोर्ट केसेस में कई बार टाइम लगता है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा और आपने प्रिपरेशन भी ब्रेक कर दी, तो वो स्ट्रेस क्लब करेगा। और अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो स्ट्रेस कम क्लब करेगा, स्ट्रेस तो रहेगा बट वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप उस टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उस टाइम का यूटिलाइज कर रहे हो, और दूसरी एग्जाम्स में और में ये चीज़ सोचने में आपका टाइम कम जाया होगा,
और आपको यह लगेगा कि हाँ हो सकता है ईश्वर ने मेरे बेटरमेंट के लिए किया हो और मैं SBI PO बन जाऊँ या SBI क्लर्क बन जाऊँ या IBPS PO या IBPS क्लर्क। तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, प्रिपरेशन को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है जिस लेवल पे एग्जाम रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।